हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल अपना इंश्योरेंस वाला। हेलो फ्रेंड्स, मैंने आपको पिछले वीडियो में एमडीआरटी अचीव करने के 5 में से 2 पॉइंट्स बताए थे और आज इस वीडियो में अपने पार्ट 2 में मैं आपको नेक्स्ट 3 पॉइंट्स के बारे में बताऊंगी। फ्रेंड्स, बीमा एक अमूर्त उत्पाद है। इसका मतलब इसको कस्टमर देख नहीं सकता और छू नहीं सकता, इसलिए इसको बेचना थोड़ा कठिन होता है। पर जब आप कस्टमर के इमोशंस के साथ जुड़ जाते हैं तो ये बहुत ही आसान हो जाता है। दोस्तों, यकीन मानिए, जिस दिन आप कस्टमर के इमोशन से जुड़ गए तो सेल पक्का होगी। आप अपने कस्टमर की ज़रूरत को समझें, उनके इमोशन से दिल से जुड़िए। उनको सिर्फ कस्टमर ना समझें, उनको पूरी तरह अपना समझ के सही सलाह दें, उन्हें हमेशा सही प्रोडक्ट बताएं। गुलाब वही होता है जो 2 से 5 रुपए में मार्केट में मिल जाता है, पर जब उस गुलाब के साथ इमोशंस जुड़ जाते हैं तो वही गुलाब वैलेंटाइन डे पर 50 से 100 रुपए में बिक जाता है, वो भी बिना बार्गनिंग के। ये होती है इमोशंस की ताकत। इमोशन इतने स्ट्रांग होते हैं कि देश का जवान सीमा पर अपनी जान दे देता है। क्या पैसे के लिए? नहीं, पैसा तो वो कहीं से भी कमा लेगा, लेकिन वो हंसते हंसते शहीद हो जाता है क्योंकि वो इमोशन से जुड़ा होता है कि उसके देश की रक्षा करनी है, अपनी मातृभूमि का कर चुकाना है। आप किसी रफ पेपर को डस्टबिन में डाल सकते हैं, पर क्या आप अपनी माँ की फ़ोटो को डस्टबिन में डाल सकते हैं? नहीं। क्यों? है तो वो एक कागज का टुकड़ा ना, फिर क्यों नहीं डाल सकते? क्या फ़र्क है दोनों में? इमोशंस का। दोस्तों, इमोशंस की पावर को समझिए। कस्टमर को यकीन दिलाइए कि आप उनकी बेटी को अपनी बेटी समझते हैं, आप उनके माँ बाप को अपने माँ बाप समझते हैं। दोस्तों, जिस दिन ऐसा होगा, सारे ऑब्जेक्शंस ऐसे ख़त्म हो जाएंगे जैसे तूफान में पेड़ उखड़ जाते हैं। ग्राहक सिर्फ इतना पूछेगा कि कहाँ साइन करूँ, चेक दूं या कैश दूं, इसमें वक्त तो लग सकता है, पर आप रिबेट के भूत से छुटकारा पा जाएंगे। यहाँ आपको रिबेट नहीं देना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है लव योर वर्क। अपने काम से प्यार करिए। दिखने में या कहने में तो ये सबसे आसान लगता है, पर ये सबसे कठिन है। आपका काम क्या है? LIC ब्रांच जाकर बीमा जमा करना या रिन्यूअल जमा करना? नहीं, यह काम तो आपके अंडर कोई भी स्टाफ मेंबर कर सकता है। आपका मेन काम है नया बीमा करना, नए लोगों से रोज बात करना, और ज़्यादातर एजेंट इसी काम को सबसे लास्ट में रखते हैं। क्यों? क्योंकि ना सुनना किसी को अच्छा नहीं लगता। आपको ना सुनने की आदत डालनी पड़ेगी अगर आप MDRT अचीव करना चाहते हैं। और इन सैकड़ों ना में हाँ को खोजिए जो आपका इंतज़ार कर रहा है। बच्चों से सीखिए, उनको खेलने के पैसे नहीं मिलते, पर चाहे कितनी भी ठंड हो, चाहे कितनी भी गर्मी हो, वह रोज़ खेलते हैं क्योंकि उनको मज़ा आता है। जिस दिन आपको भी अपने काम में मज़ा आने लगेगा, उस दिन आपको भी MDRT अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। लास्ट मगर सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिसी NACH से करिए। फ्रेंड्स, NACH ही वो रास्ता है जिससे आप बड़े से बड़े बीमा आसानी से कवर सकते हैं। पॉलिसी लैप्स भी नहीं होती है, आपका टाइम भी बच जाता है, और हर NACH का मतलब है आप अपने MDRT वाले टैंक को भरने के लिए एक नया टैप बना रहे हैं। फ्रेंड्स, NACH आपको एक साल नहीं, सालों साल रिन्यूअल से MDRT बनाता रहेगा। फ्रेंड्स, वीडियो मैं जानती हूँ बहुत लंबा हो गया है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है अगर आप इन सब पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो आप MDRT जरूर अचीव करेंगे। Thank you for watching. Please like, subscribe, share, and press the bell icon.